फर्स्ट है, बाल विवाह और सती प्रथा का आरंभ किस काल में हुआ था? ऑप्शन से मौर्य काल, कुषाण काल, गुप्त काल या फिर हर्षवर्धन काल। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गुप्त काल। बाल विवाह और सती प्रथा का अंत गुप्त काल में हुआ था, और कब? तो 1829 में। और इसका अंत किसने किया था? तो राजा राममोहन राय ने किया था। इन सभी को आप यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट है, सांसद आदर्श ग्राम योजना का आरंभ कब हुआ था? ऑप्शन से 28 अगस्त 2014, 11 अक्टूबर 2014, 2 अक्टूबर 2014 या फिर 20 अक्टूबर 2014। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 11 अक्टूबर 2014। तो याद रखेंगे 11 अक्टूबर 2014 में सांसद आदर्श ग्राम योजना का आरंभ हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन से 18 अप्रैल, 18 नवंबर, 18 सितंबर या फिर 14 जून। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 18 अप्रैल। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि रक्तदान दिवस कब मनाते हैं, तो याद रखेंगे रक्तदान दिवस 14 जून को मनाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? ऑप्शन से धान, मक्का, तिलहन या फिर मसूर। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, मसूर। मसूर जो है वो खरीफ फसल नहीं है, वो रबी की फसल है। और धान, मक्का और तिलहन, ये तीनों ही खरीफ फसल है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक शेयर कर दीजिए, और नीचे आपको रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो हमारे ऑप्शन से Na2CO3 × 10H2O, NaSCO3, NaOH या फिर CaOH2। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, Na2CO3 × 10H2O, जो कि धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। वहीं अगर आपसे बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र पूछा जाए तो वो होता है NaOH। चलिए नेक्स्ट है हमारा, पीतल में कितना प्रतिशत कॉपर होता है? तो फ्रेंड्स, जो पीतल होता है ना, वो तांबा और जस्ता का मिश्र धातु होता है, ठीक है? तो यहाँ पे हमारा कॉपर कितना परसेंट होता है? तो वो होता है ऑप्शन नंबर बी, 70%, यानी कि पीतल में 70% तांबा होता है और 30% जस्ता होता है, जिसे आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए प्रतिवर्ष मूर्ति देवी पुरस्कार दिया जाता है? हमारे ऑप्शन है फिल्म, संगीत, साहित्य या फिर पत्रकारिता। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साहित्य। साहित्य के क्षेत्र में ही प्रतिवर्ष मूर्ति देवी पुरस्कार दिया जाता है, तो इसे आप जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है, उष्मा गतिकी का प्रथम नियम संरक्षण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन से संवेग, ऊर्जा, संवेग और ऊर्जा दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऊर्जा। उष्मा गतिकी का जो प्रथम नियम संरक्षण है वो ऊर्जा से संबंधित है। तो फ्रेंड्स, आप ये सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद रखिएगा, सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, भारी जल का प्रयोग निम्नलिखित में से किस में किया जाता है? ऑप्शन से कार बैटरी में, नाभिकीय बम में, रिकेट्स में या फिर नाभिकीय अभिक्रिया में। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नाभिकीय अभिक्रिया में। भारी जल का प्रयोग नाभिकीय अभिक्रिया में करते हैं। अगर आपसे भारी जल का रासायनिक नाम पूछे तो याद रखेंगे ड्यूटेरियम ऑक्साइड, और इसका फॉर्मूला होता है D2O। तो ये सभी को आप यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट है, मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु कौन सा है? ऑप्शन से कैरिनोबैक्टीरियन, एसीसीरियाई कोलाई, वाइब्रियो कॉलेरी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एसरीसिया कोलाई, जो कि मानव के आंत में पाया जाने वाला एक जीवाणु है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार रिपीट किया गया है, तो जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट है, पके हुए टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? ऑप्शन है कैरोटीन, जैंथोफिल, लाइकोपीन या फिर एट्रोपीन। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, लाइकोपीन। पके हुए टमाटर का जो लाल रंग होता है ना, वो उसमें उपस्थित लाइकोपीन के ही कारण होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को
तानसेन सम्मान 2018 से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन से पंडित दालचंद शर्मा, पंडित विश्व मोहन भट्ट, श्रीदेवी या फिर मंजू मेहता। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मंजू मेहता। तो याद रखिए 2018 का जो प्रसिद्ध तानसेन सम्मान है ना, वो मंजू मेहता जी को दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन से बेंगलुरु में, विशाखापट्टनम में, चेन्नई में या फिर महाराष्ट्र में। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, बेंगलुरु में। तो याद रखेंगे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का जो मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है, तो बेंगलुरु में स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अस्थाई चुंबक बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है नर्म लोहा, कोबाल्ट इस्पात, कड़ा लोहा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोबाल्ट इस्पात। अस्थाई चुंबक बनाने के लिए कोबाल्ट इस्पात का प्रयोग किया जाता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा पाइरीडॉक्सीन किस विटामिन का रासायनिक नाम है। ऑप्शन से विटामिन B6, विटामिन B12, विटामिन डी या फिर विटामिन के। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, विटामिन B6। पाइरीडॉक्सीन जो है वो विटामिन B6 का रासायनिक नाम है। वहीं अगर पूछा जाए विटामिन B12 का क्या है, तो साइनोकोबालामीन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा किस राज्य में पहली बार प्लास्टिक के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया गया था। ऑप्शन है हरियाणा, पंजाब, कर्नाटक या फिर मुंबई। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा में। तो याद रखेंगे हरियाणा में सबसे पहली बार प्लास्टिक के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है अधिकांश मौसम परिघटनाएं कहाँ पर होती हैं। ऑप्शन है समताप मंडल में, आयन मंडल में, क्षोभ मंडल में या फिर बाह्य मंडल में। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्षोभ मंडल में। अधिकांश मौसम परिघटनाएं जो होती है ना, वो क्षोभ मंडल में ही होती हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कोशिका के अंदर सूचना का प्रवाह किसके द्वारा होता है। ऑप्शन से आरएनए के द्वारा, डीएनए के द्वारा, माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा या फिर राइबोसोम के द्वारा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, आरएनए के द्वारा। कोशिका के अंदर सूचना का जो प्रवाह होता है वो आरएनए के द्वारा होता है। अगर ये पूछेगा कि कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण कहाँ होता है, तो याद रखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। नेक्स्ट है हाइड्रोजन के एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन से 0, 1, 2 या फिर 3। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 0। हाइड्रोजन के एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या 0 होती है और इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो इसे भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है 20,000 हर्ट्ज से अधिक की ध्वनि आवृत्ति को क्या कहा जाता है। ऑप्शन से अवश्रव्य तरंगे, उपश्रव्य तरंगे, पराश्रव्य तरंगे या फिर श्रव्य तरंगे। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पराश्रव्य तरंगे। 20,000 हर्ट्ज से अधिक की जो ध्वनि आवृत्ति होती है ना, उन्हें पराश्रव्य तरंगे कहते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप याद रखिएगा, कई बार रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 26वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन 27 दिसंबर 2018 को कहां पर किया गया था। ऑप्शन है भुवनेश्वर, इम्फाल, पुणे या फिर रांची। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भुवनेश्वर में। तो याद रखेंगे 26वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन भुवनेश्वर में किया गया था और कब किया गया था, तो 27 दिसंबर 2018 को। चलिए नेक्स्ट है हमारा गयासुद्दीन तुगलक ने किस वर्ष तुगलक साम्राज्य की स्थापना की थी। ऑप्शन है 1230, 1305, 1320 या फिर 1390। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1320 ईस्वी में। तो याद रखेंगे गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक साम्राज्य की स्थापना 1320 ईस्वी में की थी। ये मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है ककड़ा परा परियोजना भारत के किस नदी पर बनाई गई है। ऑप्शन है सतलज, नर्मदा, ताप्ती या फिर भागीरथी। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ताप्ती नदी। तो याद रखेंगे ककड़ा परा परियोजना जो है वो भारत में ताप्ती नदी पर बनाई गई परियोजना है। नेक्स्ट है
अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में एक अध्यक्ष के अलावा कितने उपाध्यक्ष होते हैं? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 3। तो याद रखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में एक अध्यक्ष के अलावा 3 उपाध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट है, श्वेत क्रांति की गति को बढ़ाने के उद्देश्य से ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत किसने की थी? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वर्गीज कुरियन ने, जिन्हें कि श्वेत क्रांति का जनक भी कहा जाता है। और ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित था? तो वो दूध उत्पादन से संबंधित था। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो याद रखेंगे 1970 में, यानी 1970 में इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट है, सख संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम मास कौन सा होता है? ऑप्शन है चैत, पौष, माघ या फिर फागुन। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फागुन, जो कि सख संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम मास होता है। कौन सा होता है? तो जरूर याद रखेंगे फागुन मास, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है भगवान लाल साहनी, शशि रंजन दास, नवीन चावला या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भगवान लाल साहनी को, जिन्हें की राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। किसे किया गया है? तो याद रखेंगे भगवान लाल साहनी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय क्रिकेटर को आईसीसी क्रिकेट समिति का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है रविंद्र जडेजा, अनिल कुंबले, विराट कोहली या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनिल कुंबले को, जिन्हें कि भारतीय, जो कि भारतीय क्रिकेटर है और उन्हें आईसीसी क्रिकेट समिति का नया चेयरमैन बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, चंबल नदी निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर बहती है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान से होकर बहती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।